आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम जमात दोम, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर इस्मत बतूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज तारीख है 15 सितंबर, दिन है मंगल का। गुज़िश्ता सबक में मैंने आपको उर्दू किताब से सबक एसार की पढ़ाई करवाई थी। एसार का मायनी होता है कुर्बानी। इसमें हमने पढ़ा था कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। एक दफ़ा एक शख्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसे खाना खिलाने अपने घर ले गए। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में भी खाना कम था, सिर्फ एक शख्स पेट भरकर खा सकता था। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या तो वो खाना खुद खाते या अपने मुसलमान भाई को पेश करते। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह की बीवी ने दस्तरखान पर खाना रख कर चराग बुझा दिया, यानी कि रोशनी ख़त्म कर दी। कमरे में अंधेरा हो गया। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी ने मेहमान को जाहिर किया कि वो भी खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लुकमा भी नहीं खाया। यूँ मेहमान ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी भूखे पेट सो गए। अल्लाह ताला को हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी का एहसान बहुत पसंद आया, यानी कि अपने खाने की उन्होंने कुर्बानी दी। हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पर तरजीह दें, यानी कि अगर किसी को ज़रूरत है तो हम अपनी ज़रूरत को पसे पुश्त डालकर किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरा करें, किसी दूसरे की मदद करें। यह था उर्दू किताब से एसार की पढ़ाई। इसके अलावा मैंने आपको अरकान मिलाए करवाए थे, लाम काफ, लाम पेश काफ लुक, मिम हिमा लुकमा, खा अलिफ खान, नून अलिफ ना खाना, बे छोटिए बी, वाव छोटिए वी बीवी, भे व भू, काफ भड़िए के भूखे, अलिफ ज़ेर छोटिए ई, से अलिफ सार ए ईसार। ये थे अरकान मिलाएं। इसी तरह वाहिद का मतलब एक और जमा का मतलब एक से ज़्यादा, जैसे चराग चरागों, साथी साथियों, मेहमान मेहमानों। ये वाहिद जमा और अरकान मिलाएं आपने किताब पर हुशत लिखने थे। इसके अलावा मुतजाद कहते हैं उल्ट मायनी को, जैसे नंबर एक जला, जला का उल्ट होता है बुझा। जला का उल्ट क्या होगा? बुझा। पसंद नापसंद। अंधेरा, अंधेरा का उल्ट क्या है? उजाला। अंधेरा उजाला, पसंद नापसंद, जला बुझा। ये किताब पर आपने काम करना था। आज का काम अपना नोट डाउन कर लें। आपने कॉपी पर अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले लिखने हैं। जैसे शख्स, शख्स कहते हैं आदमी को। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैंने एक नाबीना शख्स पार्क में देखा। जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं। दस्तरखान, अम्मी ने कहा दस्तरखान बिछाओ, या हम दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं। हम दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं। अंधेरा, चराग को बुझाने से अंधेरा होता है। चराग को बुझाने से अंधेरा होता है या रात को अंधेरा होता है। अल्फाज मायनी, ईसार, ईसार का मायनी होता है कुर्बानी। ईसार का मायनी होता है कुर्बानी। लुकमा नवाला, लुकमा नवाला। तरजीह, तरजीह का मायनी होता है अहमियत। तरजीह का मायनी होता है अहमियत। अल्फाज मायनी आपने कॉपी पर हुशत लिखने हैं। जब आप कॉपी पर काम करें
तो उन्वान लिखें, मार्जिन लाइन लगाएं, और जब आपका कॉपी वर्क ख़त्म हो जाए तो आखिर में एंडिंग लाइन ज़रूर लगाएं। काम को खुश हथ लिखने की कोशिश करें। डायरी वर्क नोट कर लें जो मैंने आपको अभी अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले करवाए हैं, ये आप कॉपी पर खुश हथ लिखेंगे। पेंसिल शोप कर कर वन फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए आप काम करेंगे। कल मैं अगले सबक के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।